सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कोई भी हमला हो उसकी पहले जांच कराई जाए, जांच में कोई दोषी पाए तब कार्रवाई की जाए। मीडिया पर लोगों कार्रवाई की गई है, वो सदस्य न्याय है। शासन वापस ये है, खबरों पर जो मुकदमे लगाई जाती है उस पर थोड़ा शासन एक पत्रकार साथी ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में लागू मिड डे मील योजना का सख्त उजागर किया है अपने पेपर के माध्यम से। तो उस पर जो भ्रष्टाचारी थे उन लोगों ने उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उन पर जो है फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है जो न्याय संगत नहीं है। हमारे जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री रतन पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि उस पर जो है जांच कराई जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी हुई है। आप लोगों के ज्ञापन को देखकर की जानकारी हुई है, चूँकि ये मिर्ज़ापुर का प्रकरण है और चैनल टीवी चैनल्स में भी दिखाए जा रहे हैं। अब इसके जांच कराने के बाद ही पता चल सकता है कि वास्तव में मामला क्या था। ऐसे किसी चीज़ को गलत कहना या सही कहना अच्छा नहीं होगा, तो इसकी जांच कराए बिना उसका निस्तारण किया जाना थोड़ा ठीक नहीं था। जांच अवश्य होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ तो हालांकि इसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तो पहले हम लोग जांच कराने को ध्यान देंगे, इसके बाद ही मामले का निस्तारण किया। सर, पत्रकारों पर मुकदमा लिखाना कितना न्याय संगत मानते हैं? अगर गलत है, वास्तव में गलत है, तो कानून सबके लिए एक समान है, इसमें VIP या VVIP नहीं देखा जाएगा। अगर गलत है तो सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।